नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। एसपी प्रदीप शर्मा ने आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में गत दिवस राजगढ़ जिले के पाटकिया गांव में हुई लूट और डकैती की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाकर उसमें आग लगाकर फाइनेंस कंपनी का कर्ज उतारने और दुष्कर्म के मामले में फरियादिया के परिजनों पर लूट और डकैती का मामला दर्ज करवाकर राजीनामे का दबाव बनाने के लिए स्वयं ही उक्त घटना को अंजाम दिया। आरोपी को वापस जिला जेल राजगढ़ में दाखिल किया गया और झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में अर्जी स्वीकृत कराकर धारा 182 और 211 के तहत परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इरशाद मंसूरी की रिपोर्ट। बनाएंगे और इस तरह से 376 में बरी हो जाएंगे। इसमें कई अन्य विवेचना के बिंदु आए, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे 46,000 रुपए गए थे, तो 46,000 रुपए का जब सोर्स हमने आइडेंटिफाई किया तो ये कोई सोर्स स्पष्ट नहीं कर पाए, पर सभी से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी इस घटना से इनकार किया। सेकेंडली, जिस भाई के साथ इन्होंने होना बताया था वो भाई भी घटना पर उपस्थित नहीं था, और गाड़ी में जो आग लगाई वो इन्होंने खुद लगाई थी क्योंकि ये चाहते थे कि जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस मिल जाए, जिससे वो उसकी जो किस्तें हैं उससे बच सके, प्लस एक झूठा मामला भी दर्ज हो जाए जिससे समझौता के नाम पर वो जो फरियादिया है उस पर दबाव बनाकर समझौता कर सके। अभी इस मामले में खारजी काटी गई है, साथ ही तत्काल ही आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से जो इसके सुरेश प्रजापति हैं इनको वापस जेल दाखिल किया गया और के सही मुकाम पर उन्हें पहुंचा दिया गया। इसमें अभी 182-211 के अंदर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे जो घटनाक्रम है इसका पटाक्षेप करने में हमारे डिशन एसपी साहब का विशेष योगदान रहा है, साथ में एसडीओपी श्री अंतर सिंह जामरा, थाना प्रभारी इंजीनियर उमेश यादव, उप निरीक्षक सुनील रंदे, जगदीश यादव और उनकी पूरी टीम। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।